हे हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। मैं नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं मेरी वीरेक सीरियल का लाइटिंग की सीरीज़, जिस सीरीज़ में मैं आपको एकदम शुरुआत से आखिरी तक रिजल्ट आखिरी तक दिखाऊंगा कि हम लोग अपनी जी वाला आउटपुट इमेज का कैसे ला सकते हैं। अगर आपने मेरी डेमो रील में देखा हो तो मैंने ये कार अपनी डेमो रील के लिए बनाई थी। मैं दिखाऊंगा कि आप एकदम बेस सीन से, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सब कुछ लैम्बर्ड है और कुछ भी यहाँ पे साइन नहीं है, तो आप इस आउटपुट तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको खूब मज़ा आए और आप बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज़ में जानो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हमको अपनी कोई भी लाइटिंग या कोई भी माया का सीन कुछ भी बनाना होता है, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है अपना प्रोजेक्ट सेट करने की, जैसे कि आपको पता ही होगा। और अगर आप जैसे अपना प्रोजेक्ट नहीं सेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर आप प्रोजेक्ट अपना सेट करते हैं तो फिर एक काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 1 साल बाद या 2 साल बाद अपने प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं तो आपको फाइल्स ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है अगर आप सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपकी फाइल्स कहाँ पे रखी हुई हैं पुरानी वाली, और आप उनको कैसे वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। और वही अगर आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा लेके किसी और कंप्यूटर में जाना हो तो भी आपको अपनी एक एक फाइल ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप सिंपल अपना प्रोजेक्ट मेन फोल्डर कॉपी कीजिए और लेके चले जाइए। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग अपना जो माया का प्रोजेक्ट होता है वो यहाँ से आके फाइल, प्रोजेक्ट और न्यू से सेट करते हैं, पर मैं थोड़ा दूसरा अप्रोच अपनाता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्रेफर्ड है। आप अपनी हार्ड ड्राइव में जाइए और कहीं भी एक फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपना लिए एक कार एक्सटीरियर लाइटिंग का प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है। उसके बाद उसमें आप कुछ फोल्डर्स बना लीजिए, जैसे कि जो आपको पता है कि मोटे मोटे फोल्डर्स हमारे काम आएंगे, जैसे कि मैंने एक सीन का बना लिया, उसके बाद मैं एक PSD का फोल्डर बना लेता हूँ, या फिर मैं एक जी टूल का फोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को जी ब्रश तो काम नहीं आएगा, फिर भी मेरे को आदत है तो मैं जी टूल बना लेता हूँ। उसके बाद फिर एक टेम्प फोल्डर बना लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपने कोई फालतू काम कर रहे हैं, फालतू नहीं, जैसे आप कुछ टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप ज़रा छोटे बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसको किस फोल्डर में डालूं, तो इधर उधर फेंकने से बेहतर है कि आप उसको टेम्प फोल्डर में डालिए ताकि आपका सारा जो टेम्प्रेरी काम होगा वो एक जगह पे पड़ा रहेगा। ओके, उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो कैश फाइल बना सकते हैं, नहीं तो फिर कैश फाइल जो कि आप हम लोग जब आगे देखेंगे कि आप अपना ग्लोबल एलिमिनेशन कैसे बेक कर सकते हैं और उन सारी जो फाइलें होती हैं उनको कहाँ एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं वाली फाइल बना सकते हैं। उसके बाद फिर एक इमेज नाम की फाइल बना लीजिए, IMAGE, जिसमें कि आप फाइनल इमेजेस जो सेव करते चले जाएंगे अपनी वो डालिएगा। उसके बाद एक फाइल बना लीजिए जिसमें सोर्स इमेज कर दीजिए, SORCE, सोर्स IMAGE, सोर्स इमेज का एक फोल्डर बना लीजिए। एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप टेक्सचर डालेंगे PHD वाली, अगर आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मुझे ये कन्वीनियंट लगता है तो मैं ऐसे नाम देता हूँ, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से नाम इसको दे सकते हैं। टेक्सचर में मैं क्या कहते हैं अपने टेक्सचर डालता हूँ, जो भी मतलब मेरे फाइनल टेक्सचर होते हैं मैं वो डालता हूँ। सोर्स इमेज में अगर जैसे आपको कोई रेफरेंस इमेज चाहिए या फिर IMAGE रेफरेंस इमेज, सॉरी सोर्स इमेज में जैसे कि आप कई सारी इमेजेस उठा के लिया है उसमें से आपको टेक्सचर बनाना है तो आप वो सोर्स इमेज में डाल दीजिए और अपना जो फाइनल टेक्सचर होगा वो टेक्सचर वाले फोल्डर में डालिएगा। रेफरेंस इमेजेस जैसे आपने नेट से खूब सारे कार के रेफरेंसेस डाउनलोड कर लिए कि यार मुझे ऐसा अपना फाइनल आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आप रेफरेंस इमेज में डाल सकते हैं PSD इमेजेस, जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और फिर ये कोई फाइनल तो हो नहीं गया, आप जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग को सीरीज में हम लोग एक नया फोल्डर ऐड करते चले जाएंगे। ये ऐसे आप अपना फोल्डर बना लीजिए। उसके बाद फिर जब भी आपको क्या कहते हैं अपना प्रोजेक्ट लोड करना होगा वहाँ पे जाइएगा, प्रोजेक्ट लोड कीजिएगा और आपके सारे फोल्डर स्ट्रक्चर आपके साथ आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये तो जो आपका मेन फोल्डर स्ट्रक्चर था उसको सेट करने के लिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना आउटलाइनर सेट कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले, क्योंकि धीरे 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 ये जो सीन है हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, कैमरा आता जाएगा, सेट नोट आते जाएंगे और बहुत सारे नोट्स आते जाएंगे, तो वो बहुत क्लस्टर हो जाएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। बेहतर ये रहेगा कि आप अपने आउटलाइनर को पहले क्लीन कर लें। मैंने जैसे एक्सटीरियर लाइटिंग अपना बना दिया जिसमें पूरा है, उसके बाद एक डोम का जैसे डोम बना दिया, उसके बाद एक ब्रिज बना दिया और एक कार GRP का। अभी हम लोग एसेट को अपने एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, पर मैं आपको पहले बता दूं कि आप अपने ऐसे करके फोल्डर बना दीजिए और उसके बाद फिर उसको नेम करके प्रॉपरली, जैसे कार है या फिर हमारा ब्रिज है, इसमें बहुत सारी एसेट है तो आप हर एक को मत नेम कीजिएगा क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो बेहतर ये रहेगा कि इसको मोटा मोटा नेमिंग करके रखिए। उसके बाद फिर आपकी रेंडर लेयर्स देख लीजिए, एनिमेशन लेयर्स देख लीजिए और डिस्प्ले लेयर्स में, अपनी डिस्प्ले लेयर्स में जाके इसको एक प्रॉपरली लेयर करके रख दीजिए।
ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपको लेयर नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आप अपने लेयर कैसे बना सकते हैं। आपने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जितने भी आपको अपनी एक लेयर में डालने हैं, और उसका पाइवट सब कुछ प्रॉपर कर लीजिए, सेंटर पाइवट और इसका ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे आपने ये देखा, ये मैंने मार्किंग मेन्यू बनाया है अपने लिए। अगर आपने मेरे बाकी ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि अपना मार्किंग मेन्यू कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैंडी आएगा हमें अपने ट्यूटोरियल में, बहुत तेज़ हमारा वर्क फ्लो कर देता है। और अपने लिए शॉर्टकट्स लगा लीजिएगा तो वो भी आपको बहुत काम आएगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये अपनी लेयर बनाए थे, सब कुछ सेलेक्ट कीजिए, जो साइड में छोटा सा आइकन है इसको क्लिक कर दीजिए तो क्रिएट लेयर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स, तो आपकी नई लेयर बन जाएगी। इसमें आप लिख दीजिए कार CAR, और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ओवरराइड नहीं करेगा, तो आप इसको ऐसे करके कार कर दीजिए और पुरानी लेयर को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए। तो ये हमारी पुरानी लेयर चली गई और अब हमारे पास एक कार की ग्रुप आ गया। ओके, लेयर ग्रुप आ गया। ये था इस लेसन में, हम लोग ने सीखा कि हम लोग अपना पूरा फोल्डर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और अपना आउटलाइनर कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपनी लेयर्स कैसे प्रॉपर कर सकते हैं अपना काम शुरू करने से पहले, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाएगी अगर आपने पहले ही एक एक जैसे एक सिस्टम बना के रखा है तो सब कुछ उसमें प्लेस फॉल करता जाएगा। तो फिर से मेरा नाम रसलान अली है और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय।